जैसा कि आप सबको पता है कि 19 अक्टूबर 2020 को इंडिया ने स्टैंड ऑफ एनडी टैंक यानी सैंड मिसाइल को डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड बालासोर उड़ीसा से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। सैंड मिसाइल इंडिया की एक नई एनडी टैंक मिसाइल है और आज के इस गार्डिंग मीडिया वीडियो में हम आपको सैंड मिसाइल की कैपेबिलिटीज के बारे में विस्तार में बताएंगे। बट उससे पहले आप लोगों में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर इनेबल करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सैंड मिसाइल डीआरडीओ की नाग एंटी टैंक मिसाइल फैमिली का ही पार्ट है। नाग फैमिली में दो एयर लॉन्च मिसाइल हैं। नंबर वन हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, जिसे शॉर्ट में हेलेना कहते हैं, और जिसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCS से लॉन्च किया जाएगा। नंबर टू एयर लॉन्च वर्जन, जिसे हम स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी सैंड कहते हैं। सैंड के बारे में और बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि नाग फैमिली की इन सभी मिसाइल्स को इंडिया के क्लाइमेट के लिए बनाया गया है और ये मिसाइल्स 10 साल की स्टोरेज लाइफ के साथ डिजाइन की जाती हैं, जिसके दौरान इसमें कोई भी मेंटेनेंस नहीं लगता है। इसके अलावा नाग फैमिली की सभी मिसाइल्स की किल प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा होती है। एक्चुअली स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी सैंड मिसाइल हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड हेलेना मिसाइल का एक एडवांस्ड वर्जन है, जहां हेलेना मिसाइल की रेंज 7 से 10 किलोमीटर होती है, वहीं सैंड मिसाइल की रेंज 20 किलोमीटर तक होती है। नाग मिसाइल फैमिली की बाकी मिसाइल्स और सैंड में सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका सेंसर, जहां नाग फैमिली की बाकी मिसाइल्स इमेजिंग इंफ्रारेड यानी IIR सेंसर का यूज करती हैं, वहीं सैंड मिसाइल में मिलीमेट्रिक वेव MMW एक्टिव रडार होमिंग सीकर लगाया जाता है। अब मैं आपको इस अलग सेंसर के पीछे की स्टोरी बताता हूं। एक्चुअली जब DRDO ने नाग मिसाइल को डेवलप किया था तब DRDO की रेंज रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 किलोमीटर थी, और इसीलिए नाग मिसाइल की इमेजिन इंफ्रारेड सेंसर को सिर्फ नाग और प्रोस्पिना वर्जन में यूज किया गया। 7 से 10 किलोमीटर रेंज वाली हेलेना के लिए एक नया एडवांस इमेजिन इंफ्रारेड IIR सेंसर, जो कि 10 किलोमीटर तक काम कर सके, डेवलप किया गया, और फाइनली 20 किलोमीटर रेंज वाली सैंड मिसाइल के लिए बिल्कुल नया मिलीमेट्रिक वेव एक्टिव रडार होमिंग सीकर यूज किया गया, क्योंकि पुराने सीकर्स सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही चलते हैं। सैंड मिसाइल एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है, जिसमें लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटी होती है, जिसे इसे बिना टारगेट लॉक किए ही लॉन्च किया जा सकता है और जिसे टारगेट लॉक करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। सैंट मिसाइल की डिजाइन यूएस की AGM-114 हेल फायर मिसाइल, जिसकी रेंज 11 किलोमीटर होती है, और ब्रिटेन की MBDA ब्रिमस्टोन मिसाइल, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर से ज्यादा होती है, से बहुत मिलती है। एक्चुअली सैंट मिसाइल इंडिया की एक बहुत ही एडवांस्ड मिसाइल होगी और इसे अपने डेवलपमेंट के दौरान ही दुनिया की सबसे एडवांस्ड एंटी टैंक मिसाइल में से एक माना जा रहा है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स के H-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हेल फायर मिसाइल का यूज करते हैं, और आने वाले समय में सैंड मिसाइल को अपाचे हेलीकॉप्टर से भी फायर किया जा सकेगा। सैंड मिसाइल की स्ट्राइक कैसे होगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप अपाचे हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जा रही इस हेल फायर मिसाइल की वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि सैंड मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जैसे कि दसाल्ट राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, MiG-29 UPG और जगुआर ग्राउंड अटैक फाइटर्स में भी लगाया जाएगा, जिससे ये फाइटर्स दुश्मन की शॉर्ट रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहते हुए यानी स्टैंड ऑफ रेंज से एनिमी टैंक्स और बाकी टारगेट्स पर स्ट्राइक कर सकें। इसके लिए सैंट मिसाइल को ब्रिमस्टोन मिसाइल के जैसे एक ट्रिपल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकेगा। DRDO अभी रुस्तम और घातक ड्रोन्स बना रहा है, जिसमें भी 20 किलोमीटर रेंज वाली सैंट मिसाइल बिल्कुल वैसे ही यूज की जा सकेगी जैसे कि US प्रिडेटर ड्रोन में हेलफायर मिसाइल लगाई जाती है। इंडियन आर्म फोर्सेस को अभी लगभग 4000 सैंड मिसाइल की रिक्वायरमेंट है, जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और UAV से भी फायर किए जा सकेंगे। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सैंड मिसाइल इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव स्टैंड ऑफ एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक मिसाइल साबित होगी, और इसके बाद इंडिया को US से हेलफायर मिसाइल खरीदने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में बनी 20 किलोमीटर रेंज वाली सैंट मिसाइल US हेलफायर मिसाइल से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अपनी राय और सजेशंस हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन के आइकन को दबाना अति आवश्यक है। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में।
जय हिंद।